पहले पेट्रोल अब गैस के दाम केंद्र सरकार ने बढ़ा दिए हैं, जिसकी वजह से जहां एक ओर लोगों को घर चलाना मुश्किल हो रहा है, वहीं अब होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट व्यवसायी भी खासी परेशानी में दिख रहे हैं। लॉकडाउन के बाद सभी व्यवसायी मंदी की मार झेल रहे हैं। ऊपर से पेट्रोल और गैस की कीमतों में उछाल आने से जैसे आम व्यक्ति की कमर ही तोड़ दी है। व्यवसायियों को अपने खर्चे निकालने मुश्किल हो चले हैं। व्यवसायियों की माने तो उनका कहना है कि कीमतों को एक साथ इतना नहीं बढ़ाना चाहिए था कि आम आदमी का बजट ही बिगड़ जाए। इसलिए वे चाहते हैं कि कीमतों पर सरकार को फिर से विचार करना चाहिए। नया रेस्टोरेंट आरंभ करने के कुछ दिन बाद ही गैस सिलेंडर के दाम अचानक से 196 रुपये बढ़ गए, जिसकी वजह से युवा व्यवसायियों ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे लॉकडाउन के चलते बेरोजगार हो गए थे। उन्होंने रेस्टोरेंट का व्यवसाय आरंभ किया ताकि वे अपनी आजीविका चला सकें, लेकिन अब सरकार द्वारा अचानक से गैस के दामों में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी कर दी है, जिसका प्रभाव उनके लाभ पर पड़ रहा है। खर्चे निकालने मुश्किल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाजार में पहले ही ग्राहक बेहद कम हैं, अगर वे दाम बढ़ाते हैं तो ग्राहक आना ही बंद हो जाएंगे। ऐसे में उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वे क्या करें, इसलिए वे सरकार से आग्रह करते हैं कि वे बढ़ी हुई कीमतों को वापस लें। तो जैसे कि सिलेंडर के प्राइस एकदम से हाइक हो गए, 200 रुपीज़, अराउंड 200 रुपीज़ ही है, हाइक हो गए विदाउट एनी अल्टीमेशन की पहले कोई खबर आती है, या 50 रुपये बढ़ा रहे हो, 20 बढ़ा रहे हो। तो इससे दिक्कत ही दिक्कत है, क्योंकि मार्केट में पहले काम नहीं है। बेसिकली फूड इंडस्ट्री जो है वो तो सर्वाइव कर ही रही है, हॉस्पिटैलिटी का बहुत बुरा हाल है, मिलियंस ऑफ पीपल जो अनएम्प्लॉयमेंट है। हम भी अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए और रोजगार के लिए एक रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, और उसके बाद गवर्नमेंट हमें ये उपहार दे रही है कि जो बेसिक नीड है रेस्टोरेंट की, गैस, LPG, कि बिना गैस के तो कोई भी चीज़ नहीं बनेगी, उसके एकदम से 200 रुपये आप सिलेंडर का रेट बढ़ा दें, तो ये तो बहुत ही गलत है, ये तो अन्याय है एक तरफ से सरकार की तरफ से। हम जैसे आम लोगों के साथ, अब हम 200 रुपये सिलेंडर बढ़ाने के बाद एकदम से अपने रेट तो बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि पहले ग्राहक नहीं है मार्केट में। जो चीज़ अगर 100 रुपये की है, उसको हम 120 रुपये तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि वो तो हमारे पास तो 100 रुपये का ग्राहक ही नहीं आ रहा है खाने के लिए, तो 120 में कौन आएगा। तो गवर्नमेंट को ये सब चीज़ों को देखना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए, स्पेशल हॉस्पिटैलिटी के लिए, लोगों के लिए, या फिर कमर्शियल जो फूड आउटलेट चला रहे हैं, कोई रेडी वाले हैं, उन वो भी तो यूज़ कर रहे हैं सिलेंडर। तो ये बहुत ही गलत बात है, मेरे तो यही निवेदन है सरकार से कि इसके बारे में सोचें। बात ऐसे है भाई जी, अब नए नए हमने भी काम खोला, कने 2 महीने हुए थे, तो एकदम हमारे को भी इतना बड़ा प्रेशर पड़ गया, अभी 200 रुपये रेट पड़ गया एकदम नहीं, तो उसमें तो हमारा तो और उसमें जा रहे हैं। अब इसमें हम भी क्या कर सकते हैं, है ना, एकदम हमारे ऊपर सरकार ने इतना बड़ा प्रेशर डाल दिया, है ना, सीधा 200 रुपये बढ़ जाएगा तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा और क्या कर पाएगा। सिलेंडर का रेट बढ़ेगा तो मेरे में खाने का भी रेट बढ़ेगा, खाने का रेट बढ़ेगा तो कस्टमर आएगा तो बोलेगा हर चीज़ महंगी है महंगी है, तो हम भी क्या कर सकते हैं उसमें, है ना। तो उसके लिए तो सरकार को सोचना चाहिए ना सबके बारे में, अगर सिलेंडर का रेट कम होगा तो जायज़ है खाने के रेट उससे भी कम होंगे। हमारे को समस्या आ रही है, क्योंकि देखो हम कमर्शियल सिलेंडर तो बढ़ गया, और रेट बढ़ गया हुआ उसकी वजह से हमारे को भी तो देखना पड़ता है कि भी किस हिसाब से हम चल रहे हैं। देखिए एकदम अचानक ये चीज़ बढ़ा दे चुका है, कम से कम यहाँ पहले कुछ कंफर्म होता हमारे को, चलो हम उस हिसाब से होते हैं। अब हमने लिहाना होता है बड़ा सिलेंडर, वो हमने लगाना होता है होटल ढाबा का काम है हमारा, हमारे को छोटा सिलेंडर लगता नहीं, अचानक ही एकदम 100 कुछ बढ़ा दिए, हमारे को बहुत प्रॉब्लम आ रही है, बहुत दिक्कत आ रही है, कुछ ज़्यादा ही इन्होंने वो जो बढ़ा चुके हैं, इस वजह से हमारे को बड़ी दिक्कत आ रही है। हम चाहते हैं कि इसको थोड़ा वो करें, डाउन करें, खर्चे हम कैसे पूरे करें वो हम खुद परेशान बैठे हुए हैं।